गर्भ में संस्कार कितना असरदार, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। 1959 में एक फिल्म आई थी धूल के फूल, उसका एक गाना था, ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा। क्या बात है, तालियां। उसी नेक इंसान को बनाने की कोशिशें इस गर्भ संस्कार के जरिए की जा रही है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे साथ हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, गौरव कुछ और जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल, जल्दी से मैं जाऊंगा उस वॉल पे और दिखाऊंगा कि गर्भ संस्कार क्या डीएनए बदल सकता है। डीएनए में चेंज अगर गर्भ संस्कार से हो जाए तो समझिए कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए जल्दी से बिना वक्त गवाए आइए, आपको कुछ रिसर्च दिखाते हैं क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। गर्भ संस्कार के जरिए जीवन में बदलाव संभव है, यह पैन स्टडी कहती है। इसके अलावा शरीर पर बुरा असर डालने वाले जीन तक गर्भ संस्कार से बदले जा सकते हैं। और क्या कहती है स्टडी, जीन में बदलाव से डीएनए तक बदला जा सकता है, और यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, चलिए आपको एक चीज और दिखा देते हैं, क्या यहां पर इसके लिए बोला जाता है, क्या यहां पर सनातन धर्म में गर्भ संस्कार को लेकर क्या कहा गया, जल्दी से ये भी देख लीजिए। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया, गर्भ के 9 महीने में मां के खान पान का शिशु की योग्यता पर असर होता है। भागवत गीता में क्या कहा गया है, भागवत गीता में कहा गया कि मां गर्भ से ही शिशु का भविष्य बना देती है। और इसके अलावा रामायण में क्या कहा गया है, देखिए बाल कांड में गर्भ संस्कार का जिक्र किया गया है। जैन धर्म में देख लीजिए क्या कहा गया है, गर्भ में पल रहे शिशु की मां से गहरे संवाद की मान्यता है। और यह बहुत बड़ा विषय भी है प्रीति, कि सवाल यहां पर यह है कि केवल आप इसको इसलिए क्योंकि आरएसएस ने कह दिया, इसलिए गीता जी यहां पर यह सब हो रहा है। मैं मैम कनिका जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर आता हूं मैम आपके पास, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपकी बात मैं उस एंगल से समझना चाहता हूं। आरएसएस ने कह दिया इसलिए गलत है, आरएसएस नहीं कहती तो शायद ये सही होता, या एक डॉक्टर के होने के नाते आप क्या बोलेंगे इस पे, जो डीएनए चेंज होने वाली बात है। जी, ऐसी कोई स्टडी से मैं वाकिफ नहीं हूँ कि डीएनए चेंज किया जा सकता है विद द गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार सिर्फ एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी को डिनोट करता है, और ये जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं कि बच्चे का ब्रेन डेवलप्ड होता है इनसाइड, और बच्चा सुन सकता है, बच्चा रिएक्ट कर सकता है, तो इसी के माध्यम से हम गर्भ संस्कार की तरफ गए कि बच्चे को पेट से ही अच्छे संस्कार मिलने शुरू हो जाएंगे। डीएनए चेंज जैसी कोई स्टडी से मैं वाकिफ नहीं हूँ। नहीं, लेकिन एक चीज़, सॉरी प्रीति, मैं एक सवाल ले लूँ। डॉक्टर था, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, डॉक्टर खड़ाना, एक बहस इस मुद्दे पर ये भी है कि आप बच्चे पर कुछ थोप तो नहीं रहे, आप बच्चे को पहले आने दीजिए, इस संसार को समझने दीजिए, और उसको तय करने दीजिए कि उसको किसको अपना आइडल बनाना है, उसको शिवाजी को बनाना है, उसको किसी बॉलीवुड एक्टर को बनाना है, उसको किसी और महापुरुष, किसी और आइकन को बनाना है, आप पहले से उस पर कुछ थोप क्यों रहे। एक बहस ये भी है इस पूरे मुद्दे पर, एक तर्क। बीच में एक बहस आई थी जब हमारे यहाँ बच्चों के स्कूल में जो नर्सरी प्ले स्कूल के बच्चे हैं उनको हम हेम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल ये स्टोरी सुना रहे हैं, और इस तरह की जिसमें इंग्लिश किरदार थे, इसका उसके मनस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या मेरे गांव का बच्चा हेम्प्टी डम्प्टी को पहचानता है, मेरे गाँव का बच्चा काड़ू को पहचानता है, मेरे गाँव का बच्चा पिंटू को पहचान लेगा, हेम्प्टी डम्प्टी को नहीं समझ पाएगा तो पकड़ ही नहीं पाएगा, वो एक दूरी महसूस करेगा, उसकी लर्निंग में डिले रहेगा। दूसरी बात, बच्चा एक डेवलपिंग चीज़ है, अब हम देख रहे हैं हम क्या डरा के उसको किसी तरह की पैनिक माहौल में, अगर कोई मदर है उसको डर में उसको प्रिवेंशन की तरफ भागेगा, अब बच्चा एक डेवलपिंग चीज़ है तो डेवलपिंग और प्रिवेंशन उसकी ऊर्जा फिर नकारात्मक चीज़ में। लेकिन डॉक्टर कटाना, ये जो आपने बात की हम्प्टी डम्प्टी वाली, ये तो तब बताई जाती है जब बच्चा पढ़ने लगता है और वो बाकायदा पिक्चर्स के साथ बताई जाती है। दूसरी बात अपने, एक सेकंड डॉक्टर खट्टर, डॉक्टर कक्कर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सर देखिए इस पूरे प्रोसेस में वो जो बात कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन की बात हो रही है, वो मॉरल एजुकेशन धर्म से कैसे जुड़ सकती है? मतलब हो सकता है कि गर्भ संस्कार शब्द से आपत्ति हो, लेकिन संस्कार तो होने ही चाहिए किसी भी बच्चे में। हमेशा से हो भी रहे हैं, और वो आई एग्री विद द डॉक्टर कि मुझे भी ये डीएनए वाला वाज नॉट इन माय नॉलेज आल्सो, कि ऐसा कुछ डीएनए की रिसर्च है जो अभी आपने दिखाई। सेकेंडली, अब आप इन डॉक्टर गायनी से पूछिए, ये क्या संस्कार के बाद अभी इन्होंने ये शुरू किया है कि जब भी मदर शुरू में भी आती थी 5 साल पहले 8 साल पहले तब क्या ये वो वाली बातें उनसे नहीं करती थी? उस टाइम भी करती थी। इट इज लाइक इट इज एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या एक अलग नजरिया पेश कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि ये एक बिजनेस मॉड्यूल भी है, ये कहना चाहते हैं आप? अच्छा, वो लोग क्या होता है, वो लोग क्या होता है, ये सवाल यहाँ पर आ रहा है। एक मिनट, मदर की वो लोग, मतलब अगर आरएसएस ने कोई सही बात कह दी तो गलत हो गया वो बात? आप वो कह रहे हैं, वो लोग आप कह रहे हैं, वो लोग गीता जी कुछ कह रही है, गीता जी कुछ कह रही है, एक मिनट गीता जी कुछ कह रही है, उन्हें उनियाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोगों ने इसे हाईजैक नहीं किया है, आज इस 21वीं शताब्दी में लोग जो इतनी महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर कक्कड़, अगर आप कह रहे हैं दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, एक मिनट मैम,
आप कह रहे हैं दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मेन कंटेंट तो वो है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आरएसएस ने कोई सही बात कह दी तो आपके लिए वो खराब हो गई? नहीं मेरे लिए कोई खराब नहीं, तो कह रहे हो सिर्फ दो बातें कहूंगा कि मुझे लगता है दोनों तरफ के पैनलिस्ट दर्शकों के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम आप ले आए हैं, बधाई के पात्र हैं कि संस्कार देना बहुत जरूरी है। अब उन संस्कारों को कौन शेप दे रहा है, कौन आगे बढ़कर अपनी टीम को संस्कारित वातावरण के लिए तैयार कर रहा है, यह देखने वाली बात है। हमें आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव, हमें इस टाइम प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनाइजेशन से। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी चर्चा में एक सबसे सीनियर महिला हमारे साथ है, 16 संस्कार का एक पार्ट एंड पार्सल, सबसे सीनियर महिला इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम आप क्या सोचती हैं इस पूरे गर्भ संस्कार को लेकर? देखिए मैं तो अलग बात कहूंगी, अपना अनुभव, मेरे दो बच्चे जब हुए हैं मैं पीएचडी कर रही थी, मेरा सारा दिन जेएनयू की लाइब्रेरी में और सप्रू हाउस लाइब्रेरी में गुजरता था, वो मेरे दोनों बच्चे किताबी कीड़े हैं, कीड़े जीनियस हैं। थोड़ी सी आगे भी सुनिए, मेरी बेटी बीसीजी में हार्वर्ड पास आउट है, बीसीजी में डायरेक्टर और पार्टनर है। अब आप कह रहे हैं कि असर पड़ता है? नहीं एक और अब सुन लीजिए आप, मेरा तीसरा बच्चा ईरान में हुआ, उस वक्त वॉर चल रही थी, इंटरनल वॉर भी थी वहाँ की, हम मेरे हस्बैंड डेपुटेशन पे गए थे, डॉक्टर हैं, बहुत खूबसूरत घाटी थी, उस घाटी में मुझे कभी ब्यूटी नज़र नहीं आई थी, लेकिन जब मेरे तीसरे बच्चे के जन्म का समय हुआ, मुझे चांदनी रात बरसती हुई, क्या कहते हैं, रिमझिम बर्फ और रुद्ध खाना बहुत अच्छा लगता था। और सुन लीजिए आगे सुनिए, जब मेरा बच्चा पढ़ने गया तो स्केच बड़े खूबसूरत बनाता था, मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे बेटा डॉक्टर बनेगा, सर्जन बनेगा, लेकिन डॉक्टर तो आप ये कह रहे हैं कि असर हुआ इसका? मेरा वो लड़का जो था वो क्रिएटिव डायरेक्टर बना, क्या बात है, क्या बात है, अरे बच्चे आपके नंबर वन होने वाले। मेरी बेटी जब पैदा होने वाली थी तो गर्भ संस्कार इफेक्टिव है कि नहीं है? मैं वही बता रही हूँ, संस्कार आप जोड़िएगा बीच में, सभी धर्मों के लिए है कि मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो कपूरथला के मैं मंदिर वाले घर में खड़ाऊँ पहन के रहती थी, तो मेरी एक सहेली थी वो फिल्मी बातें करती थी, तो मुझे घर में इंस्ट्रक्शन मिला कि इसके पास नहीं बैठो, मैं इनका क्यों, कहती इसके विचार अच्छे नहीं है, सिनेमा की बातें करती है, और मैं किताबें पढ़ती थी और उससे फिल्मों की स्टोरी सुनती थी। आज मेरी बेटी सरबजीत की राइटर, डायलॉग राइटर, गंगू बाई की राइटर, डायलॉग राइटर और जी सिनेमा का बेस्ट डायलॉग राइटर का इनाम मिल रहा है। मैंने उसे साइंस पढ़ा पढ़ा के उसका दिमाग खराब कर रखा था, जैसे मुझसे अलग हुई उसके तो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा, हाँ कुछ तो अच्छा हुआ। नहीं आपको क्या लगता है? हाँ बोलिए। संस्कार का मैं आपको बता रही हूँ, जो पुंसवन संस्कार है 3 से 5 महीने के बीच में पुंसवन संस्कार होता है, तो मेरा भतीजा छोटा अभी 7 ईयर्स का है, उसका पुंसवन संस्कार हुआ था। जिन बच्चों का पुंसवन संस्कार होता है वो बच्चे बिल्कुल विलक्षण होते हैं, बिल्कुल अलग बच्चे होते हैं। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर राजेश पासवान जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेश पासवान जेएनयू की का जिक्र आया, आप जेएनयू से हैं, अब इसमें अब पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैम तो खुद कह रही हैं जब वो लाइब्रेरीज में घूमती थी उनके बच्चे किताबी कीड़े हो गए, जब वो एक अच्छी जगह पे थी उनका बच्चा क्रिएटिव हो गया। तो यही तो बात है, अगर आप जो माहौल बच्चे को देंगे, आप उसको महापुरुषों की कहानियां सुनाएंगे, आप उसको रामायण गीता के पाठ करेंगे, तो हम उनको आइडियल मानते हैं ना, कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमें मानते हैं भगवान कृष्ण बहुत आइडियल एक थे, तो वही तो हम बताना चाहते हैं अपने बच्चों को, और वही बात हो रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो साफ वो कह रही है, दिक्कत नहीं है, जो भी तार्किक वैज्ञानिक तरीके से लोग कह रहे हैं इसके अलावा भी कुछ सच है कि सिर्फ पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या आ रही है, आर्थिक स्थिति क्या आ रही है, बच्चे को खाना क्या मिल रहा है, उनको क्या खाना क्या मिल रहा है, उनका परिवेश कैसा है, इसे भी डिसाइड करता है कि बच्चा आगे क्या बनेगा। तो यतिमा ये तो बात सही कह रहे हैं ना सर, ये बात तो पहली प्राथमिकता तो उस बच्चे को अच्छा माहौल मिले वो है, बाकी चीजें तो उसके साथ है, जैसे जिस संस्कार की आप बात करती हैं। नहीं, जो संस्कार गर्भ में दिया गया उससे बच्चा हष्टपुष्ट होगा, उसका मानसिक स्तर बौद्धिक स्तर डेवलप्ड होगा, जब बच्चा संसार में आएगा तो वो एक डेवलप्ड मानसिक स्थिति के साथ आएगा, जिसका डेवलप्ड
नहीं वो कुछ और कह रहे हैं यतीमा, वो कुछ और कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, वो कह रहे हैं पहले बच्चे को अच्छा खाना मिलना चाहिए, माँ को अच्छी दवाइयाँ मिलना चाहिए, बच्चे को अच्छा वहाँ पर माहौल मिलना चाहिए, उसके बाद संस्कार मिलना चाहिए, यही कह रहे हैं सर आप? ठीक है, वो जो कह रहे हैं उसको ही बाइंड आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, खाना अच्छा पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो डिनाई कर रहे हैं गर्भ के संस्कार को। मैं कह रही हूँ कि जब जो बच्चा गरीब परिस्थिति में, मेहरुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेहरुद्दीन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं आपके रिएक्शन पर, वो अपने परिवार को उत्थान की तरफ ले जाएगा, जो संस्कार डॉक्टर राजेश की बात सुनिए, वो ज्यादा कैपेबल होगा अपनी परिवार की रामायण में संस्कार मिलते होगा, उन्होंने बड़ी बात कह दी, उन्होंने बड़ी बात कह दी, एक मिनट यतिमा, यतिमा उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, वो कह रहे हैं डॉक्टर गीता भट्ट की अगर संस्कार गर्भ में मिलते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, वो कह रहे हैं गर्भ संस्कार दे दिए होते फिर महाभारत का युद्ध नहीं होता, इसका मतलब कह रहे हैं कि संस्कारों का कोई मतलब ही नहीं है, आप यही कह रहे हैं सर? मैं यही कह रहा हूं, आप कहते हैं कि संस्कारों का कोई गर्भ संस्कार नहीं है, देखिए महाभारत ये आप अगर बच्चे के लिए जरूरी है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात विज्ञान के द्वारा साबित करी जा चुकी है कि जो भी छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका जो मानसिक विकास है, उस मानसिक विकास के लिए माँ का जो आप सामने आप उसका वातावरण जो उसे मिलता है, मेहरुद्दीन जी से सुन लेते हैं इस बात का जवाब, वो बहुत देर से बोल रहे हैं, आप साइंटिफिक टर्म्स में ईआरपी बोलते हैं, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल, जो माँ बाप है, जो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में काम करती है, उनके जो बच्चे हैं वो तो नौकरा जो नौकरानी होती है वो पालते हैं, ऐसे तो फिर जो नौकरानी के जो नौकरानी के अंदर जो बात होगी तो फिर नौकरानी गर्भ में थोड़ी ना रखती है, क्या बात कर रहे हैं? इस बात का जवाब जो मेरे मित्र ने उठाया कि अगर ऐसा होता कि संस्कार माँ द्वारा नहीं दिए जाते या दिए जाते तो महाभारत का युद्ध क्यों होता, तो मैं इनको इस बात का जवाब दूंगा कि अगर ऐसा हुआ है इसीलिए श्री कृष्ण जैसे लोग, राम मर्यादा जैसे लोग पैदा हुए, वरना जो धर्म संस्कार को गर्भ संस्कार को नहीं मानते उनकी हास्य क्या है? ठीक है, उनके संस्कार क्या है? डॉक्टर कनिका के जरिए, डॉक्टर कनिका आइए मेरे साथ, जुदा कर डाला, ठीक है, डॉक्टर कनिका हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगी कि किस तरह से 9 महीनों में जिस गर्भ संस्कार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उन 9 महीनों में एक बच्चा कैसे क्या क्या सीख सकता है, क्या क्या करता है, और देखिए गर्भ संस्कार में कितना असरदार है ये पूरा प्रोसेस अपनाना वो दिखाते हैं। देखिए गर्भ में क्या क्या कर सकता है बच्चा, ये देखिए सबसे पहले जमाई लेते हुए तस्वीरें डॉक्टर कनिका, ये बच्चा हमने देखा था अल्ट्रासाउंड में, ये बच्चा जमाई लेते हुए ये हमने 3 महीने की प्रेगनेंसी पे देखा था, थर्ड मंथ। अगला जमाई लेने के बाद और भी बहुत कुछ है जो बच्चा करता है गर्भ के भीतर, हंसता है तो है जी, ये हमने 4th महीने की प्रेगनेंसी में देखा था, और इसके बाद बच्चा रोता भी है, मतलब ये हैरान करने वाली बात है, आंसू भी देखे गए हैं अल्ट्रासाउंड में, अरे वाह, निकलता हुआ बच्चा भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से लगातार जीभ निकाल रहा है वो बच्चा जी, बच्चे के जीभ 4th या 5वें महीने में देखे जाते हैं बहुत बार, बच्चे की थंब सकिंग भी देखी जाती है। हाँ। और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग अगला देखिए, नाचता हुआ भी बच्चा नजर आया गर्भ के भीतर जी, ये 3 महीने की प्रेगनेंसी पे देखा गया है, 12 वीक्स की प्रेगनेंसी पे, और ये गर्भ में नाचता बच्चे के बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग और वीडियोस भी है, रोता भी है, मतलब ये सबसे ज्यादा हैरान की बात है कि डांस भी करता है, रोता भी है, हंसता भी है, ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं इससे गर्भ संस्कार से कैसे हम जोड़ सकते हैं? इससे हम इसलिए जोड़ सकते हैं कि जब बच्चे इतने तरह के रिएक्शंस अंदर दे सकता है तो क्यों ना हम उसको अंदर से ही अच्छी शिक्षा देना शुरू करें, और जब इसमें कोई नुकसान नहीं है, गर्भ संस्कार में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आजकल गूगल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, पेशेंट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं, इनडायरेक्टली पेशेंट का जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये चाहे रोने की बात हो, हंसने की बात हो, नाचने की बात है, ये बाहर से कुछ वो वाइब्रेशन सुनते हैं, महसूस करते हैं, तब ये रिएक्शंस होते हैं? जी ऐसा तो कई बार पेशेंट्स मुझे बताते भी हैं कि मेरे हस्बैंड घर आए तो बच्चे का मूवमेंट बढ़ जाता है, मैंने ये पर्टिकुलर संगीत सुना तो बच्चे का मूवमेंट बढ़ जाता है, मैं अपसेट होती हूँ तो बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है, इस तरह से बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे देखने को मिलता है। तो अब मैं डॉक्टर अरविंद आपसे मेरा सवाल जो डॉक्टर कनिका बता रही हैं, आइए डॉक्टर कनिका,
सवाल सर ये है, हालांकि ये कहा जाता है, हमने ये भी सुना है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, जिसको लेकर कक्कड़ साहब ने भी अपनी बात कही, ये सारी बातें देखिए, ये प्रूवन फैक्ट्स हैं, साइंस बता रहा है कि ऐसा होता है, तो क्यों ना कुछ अच्छे विचार गर्भ के भीतर ही बच्चों को दिया जाए, इसमें हर्ज क्या है? डॉक्टर गीता को मैं बधाई देता हूँ एक बात के लिए कि उन्होंने एक बात तो तय कर दिया कि गर्भ संस्कार से डीएनए में कोई बदलाव किया जाए। डॉक्टर कनिका, गीता ने कनिका, डॉक्टर कनिका की जानकारी में नहीं है। सॉरी, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक मिनट, इसमें भी व्यूज आ गए, इसमें भी व्यूज आ गए, वो कह रहे हैं कि इसमें उनको उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन रिसर्च है और पैन स्टडी में लिखा है। ठीक है, नहीं मतलब मैं तो फिलहाल उनकी बात को मानते हुए कह रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू की बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। पहले मैंने डॉक्टर गीता को भी बधाई दी है किसी बात पर, तो जहाँ एग्रीमेंट है वहाँ बेमतलब का डिसएग्रीमेंट नहीं है। तो बार बार आप जो कह रहे हैं कि आरएसएस, इसलिए मैंने आप ही के चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी जी को कहा कि आरएसएस ने बहुत सारे सुधार किए हैं, तो फिर आप इसको मानिए? नहीं नहीं, बार बार कहने का क्या मतलब है? आपको एक ही बात रट लगाए रखे, आरएसएस कुछ भी अच्छा करे तो नहीं, के साथ जो डॉक्टर कक्कड़ है उन्होंने कहा कि दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वो बार बार कह रहे हैं कि ये पहले से होता आ रहा है, तो आरएसएस ने कोई अच्छी चीज बढ़ा दी तो आपको दिक्कत है उस पे? सुन लीजिए ना, इसलिए दिक्कत हो ही नहीं रही है। मैंने जहाँ से बात शुरू की कि आरएसएस भाजपा के ही एक सांसद की जबानी जो उन्होंने संसद में तो बोला, ये का नहीं होता। ये तो सेलेक्टिविज्म है ना सर, विचार रखिए, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सांसद नहीं होता। आप चुप हो जाइए, सांसद नहीं होता, आप चुप हो जाइए, लोगों को भ्रमित करते हैं, आप चुप हो जाइए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप चुप हो जाइए, बीजेपी का सांसद होता है, सही सही बोलिए, बोलिए, भ्रमित मत करिए, आपने बोला आरएसएस का सांसद नहीं होता, बीजेपी का ही सांसद बोल रहे हैं, आप बीजेपी का बोलिए, पर्सपेक्टिव आ रहा है, जरूरी है, माफी मांगिए, नहीं सब बुजुर्ग हैं, सब यंग हैं, सब अपने हिसाब से सब हैं। हाँ, आपने जो बोला कि भूखे पेट ना भजन होत गोपाला, तो मैं यही कह रहा था कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं, तो उसमें जो दो स्कीम का मैंने नाम बोला कि प्रधानमंत्री गर्भवती महिला समृद्धि महिला, अरे आप अपनी बात रखो ना, अरे सारा सारा एक मिनट जल्दी आप अपनी बात पूरी कीजिए, सरकार के ऊपर है या ये जो बच्चे पैदा करने चला जाएगा, सर अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, 10-10, 20-20 वो भी कुछ कंट्रोल करेंगे, पूरी कीजिए जल्दी बात, टाइम कम होता है, गलत जवान निकल जाएगा, कभी गाली दे दूंगा, क्या लग रहा है आपको? आप अपनी बात पूरी नहीं कर रहे, जल्दी पूरी नहीं दे रहे, आप कर ही नहीं रहे, आप जल्दी पूरी कीजिए ना, 10 सेकंड में टीवी में समय नहीं है। सिर्फ ये बोला कि महिला जो गर्भवती महिलाओं हैं उनकी तमाम ऐसी समस्याएं हैं, और जो गर्भ संस्कार की बात है, इस देश में जहां जहां गर्भ संस्कार हो सकते हैं, ऐसे जो एवेन्यूज हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका, और कितनी इस देश में गर्भवती महिलाएं हैं, खासकर दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग की, तो आप देखेंगे कि ये एक बिल्कुल मिनिस्क्यूल ठीक है, आप कह रहे हैं गर्भवती महिलाओं का जिनको आप गर्भ संस्कार देने की बात कर रहे हैं, ठीक है आप कह रहे हैं इसको बड़ा 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 बात तो सही है ना, यतिमा एक सेकंड, ये बात तो सही है ना, ये तो हम भी सुनते आए हैं ना, कि जैसा मैंने भी कहा कि भाई खाली पेट तो भगवान का भजन ही नहीं होता है, तो फिर संस्कार कहां से किसी बच्चे में हम दे देंगे गर्भ के भीतर? देखिए, एक महिला संगठन ने एक प्रयास किया, और वो प्रयास जो है उसकी सराहना करने के बजाय आप उसके समक्ष और 10 चुनौतियों को खड़ा करें, अरे उन पे तो काम करने की आवश्यकता है ही, लेकिन साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण विषय है। नहीं नहीं, मैं इससे इंडिया में पूछ रही है, जिसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी जाती है वो यही सब चीजें बताएंगे, वो यही सब चीजें बताएंगे, कोई भी गाय नहीं कहेगी पॉजिटिव सोचिए, रिलैक्स करिए, म्यूजिक सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, जो किताबें आपको अच्छी लगती है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई और काम हो, तो इसमें जज बैठे उनकी सुन लीजिए, सिर्फ तर्क की बात करूंगी और एक ही लाइन में अपनी बात खत्म करूंगी।
कि हमको जिस चीज का पेड़ चाहिए होता है हम वो बीज बोते हैं, ना कि जब वो पौधा उग जाता है तब डिसाइड करते हैं कि आम होगा या जामुन हो। चलिए क्या बात है मैम, हमारे संस्कार पे सब चीज डिपेंड करता है। हम माता जो भी सोचते हैं, हमारी थॉट जैसी रहती है, हमारा बच्चा वैसा ही बिल्कुल ओहरा के जैसा तैयार होता है। ठीक है मैम, मेरा अपना अनुभव है कि गर्भ में संस्कार असर करते हैं, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं। बड़े बच्चे के समय मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई करी तो वो ही इज ब्रिलियंट, 52 रैंक AIR IIT में आया। क्या बात है, देखिए ये यहाँ पर लोगों की राय क्या है, ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं प्रीति प्लीज। और उसी के साथ ही और दुनिया भर में गर्भ संस्कार को लेकर क्या कहा और देखा पढ़ा गया है वो आइए आपको हम दिखा देते हैं फटाफट जल्दी से। गर्भ संस्कार कितना असरदार, और सबसे पहला ग्राफिक इस वक्त आपके सामने आ रहा है कि दुनिया में गर्भ संस्कार के कितने रूप है। कोरिया में टेग्यो नाम की पद्धति से गर्भ संस्कार किया जाता है, इसके अलावा फ्रांस में हेप्टोनॉमी पद्धति से गर्भ संस्कार किया जाता है, और ब्रिटेन की बात करें तो रिसर्चर्स मान रहे हैं कि गर्भ संस्कार शिशु के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका की रिसर्च बताती है कि बच्चे मातृभाषा गर्भ में सीख सकते हैं। तुर्की में जन्म के 20 दिन के बाद मां बच्चा एकांतवास करते हैं। तो ये वो जानकारियां हैं जो हम आपको दे रहे हैं, और ये बताती हैं कि किस तरह से देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को मान्यता है कि गर्भ संस्कार होता है। लेकिन यतिमा सवाल यह है, जो बार बार ये पक्ष जानना चाहता है वो सवाल ये कि पहले भी तो ये बात बताते रहे हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, हमारी दादी बाप अम्मा हो, वो बताती थी कि भाई आप जब अच्छा आपने गर्भधारण कर लिया तो आप अच्छी बातें सोचिए, अच्छे विचार रखिए, आप इन मंत्रों का जाप कीजिए, आप अच्छी तस्वीर देखिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। तो ये करने की क्या जरूरत है किसी संगठन को? देखिए आज समाज में हम लोग देख रहे हैं कि नैतिक मूल्य लगातार पतन की ओर है। आज नैतिक समाज की स्थापना नहीं हो पा रही। अगर एक संगठन, कोई भी संगठन इस चीज का इनिशिएटिव लेकर, आप बोल गूगल, अगर कोई भी संगठन इनिशिएटिव लेकर अपनी इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है तो हमें उसकी पीठ थपथपानी चाहिए या उसकी टांग खींचनी चाहिए? आप ये बता दीजिए। जब हमारे घर में हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे फूफा ये सब चीजें बताते रहे और उसी कार्य को उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आप लोग नया बता रहे हैं? निश्चित रूप से आप कोई नया बता रहे हैं वो बताइए। चलिए एक सवाल लेके आते हैं, एक मिनट यतिमा, और यतिमा आपके बगल में दो स्पेशलिस्ट बैठे हैं, आपके बगल में दो स्पेशलिस्ट बैठे हैं डॉक्टर, एक मिनट कक्कर जी देखिए, आपने डॉक्टर्स की बात की, सुनिए एक मिनट यतिमा, सुनिए एक मिनट एक्सपर्ट वॉइस लेते हैं। डॉक्टर कटाना, आप तो गर्भ संस्कार कराते हैं, एक सीधा सा सवाल है मैम आप दोनों से, क्या अगर कोई बच्चा जिसकी मां ने प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार किया हो तो इस बात की कोई गारंटी है कि वो बच्चा भी संस्कारी होगा? और अगर नहीं, इसी से जुड़ा हुआ, अगर किसी बच्चे की मां गर्भ संस्कार से नहीं गुजरी हो तो ये बात तय है क्या कि वो उस बच्चे में संस्कार नहीं होंगे? पहले आप जी बताइए। गौरव जी, मैं ये कहना चाहती हूँ इस पे कि गर्भ संस्कार एक प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे को अच्छे संस्कार अंदर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर निकल के कुछ भी करें लेकिन गर्भ में अच्छा संस्कार दिया है तो बच्चा अच्छा ही, मतलब ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है, कंटिन्यू रखना जरूरी है। डॉक्टर खटाना, ओके डॉक्टर खटाना, आपका क्या व्यू, आप तो करवाते हैं ना, मतलब गर्भ संस्कार दिया तो क्या गारंटी होगी कि बच्चा संस्कारी होगा? गारंटी किस चीज की ले रहे हैं? संस्कार की, संस्कारों किसी चीज की गारंटी हो सकती है? नहीं, आप अपना अनुभव बताइए। मैं एक बात बता रहा हूँ, गारंटी किसी चीज की, एक प्रोसीजर है, एक मदर है, वो एक बहुत टिपिकल प्रोसेस से गुजर रही है, एक बच्चा होना है। एक मिनट मैम, इनकी बात पूरी हो जाए, एक मिनट मैम आते हैं। वो माँ एक टर्मोइल में है, बच्चा है गर्भ में, एक जीव आने वाला है, उस जीव के सेंसेस डेवलप हो रहे हैं, हम एक अच्छी बातें कह रहे हैं, वो किसी भी रूप में दी जा सकती है। कुछ लगातार महिलाएं भी अपनी बात को इस बीच रखना चाहते हैं। खटाना जी सुनिए, ओके कुछ कहना चाहती हैं? मेरा एक सवाल, जब गर्भ संस्कार होता है तो 5 ईयर्स तक तो बच्चे पे उस संस्कार का पूरा असर रहता है, ये हमने खुद देखा है। हम लोग बहुत गर्भ संस्कार कराते हैं, पुंसवन संस्कार, नहीं ऐसा कुछ वो नहीं, बच्चे नहीं है ये, और ये, ये और, और देखिए अच्छी बुक्स, अच्छी बुक्स जी कह रही है, एक अलग किस्म की बात कह रही है, बताइए जो ऐसा नहीं होता। पर हैविंग सेड दैट, आप अगर उन लेडी जिन्होंने वो पहले बोला था ना, जो तीन बच्चे जिनके हैं उनके पास एक बार जाइए। मेरा आपसे एक सवाल है मैम, You did your PhD, your husband is a doctor, आपके बच्चे जब पैदा हो गए उसके बाद आपने क्या किताबें पढ़नी बंद कर दी? आपके हस्बैंड ने किताबें पढ़नी बंद कर दी? ये प्रेगनेंसी के बाद भी आप पढ़ती रही किताबें? इसका जवाब दीजिए। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी,
आज भी पढ़ती हूँ, आज भी। तो आपके जो बच्चों का जो उन्होंने कहा, आपके बच्चों का जो संस्कार जो आपने कहा ना पढ़ाई का, वो रीडिंग हैबिट उनकी क्यों डेवलप हुई? क्योंकि आप और आपके हस्बैंड उन्होंने आपको देखा पढ़ते हुए, तो इसीलिए इसके अंदर नेचर और नर्चर दोनों का हाथ होता है। नेचर डीएनए नर्चर, आप उसको आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मेरा बेटा पैदा होने वाला था, मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रही थी, 2 मार्च तक मैं 6 घंटे खड़े होकर प्रैक्टिकल करके आई, 4 को वो पैदा हुआ है। और उसके अंदर ये आदत है कि फटाफट उठता है, काम करता है, पढ़ता है। और बेटी के टाइम में किताबें ही पढ़ती थी। ठीक है, ठीक है। नहीं मैम, इनसे मेरा एक सवाल, मैम आप कह रही थी गर्भ संस्कार हम कराते हैं, गर्भ संस्कार का मतलब केवल धार्मिक क्रियाकलाप, गर्भ संस्कार का मतलब केवल भगवानों की और रामायण और गीता की बात, या इससे इतर भी कुछ और भी आप पढ़ाते हैं? बोलिए मैम, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं पकड़ रहा हूँ। शिक्षा देते हैं कि माँ को कि आपको कैसे रूटीन में रखना है, उसको डेली रूटीन में पूरी के पूरी टाइम टेबल। मान लीजिए माँ को वो पसंद ही ना हो, माँ को पसंद ही ना हो, माँ को कुछ और चीजों में लगता हो कि बच्चे को वैल्यू और कुछ दे सकती है, क्या ये मेंटल प्रेशर नहीं बना रहे आप माँ पर? प्रेशर नहीं होता, वो खुद खुशी से करती है, क्योंकि उसको चाहिए कि उसका बच्चा अच्छा बने, है ना। हमारी ये कि आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, हम पीढ़ी को ही संस्कारवान गर्भ से ही करना चाहते हैं। और संस्कारों का मतलब क्या मैम, संस्कारों का मतलब क्या? उसका अच्छा व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व में केवल फिजिकल मेंटल नहीं आता, और भी बहुत सारी भावनात्मक जो कि आजकल कमी है, आजकल के यूथ क्या में कमी है, इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल वीक। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर यूथ है, मेरे साथ कुछ यूथ है, आप लोगों के अंदर इमोशंस की कमी है, आप लोगों इमोशनल नहीं है, बताइए है आप लोग, आपके अंदर इमोशंस नहीं है अपनी फैमिली को लेकर, इमोशनल इंटेलिजेंस की है? चलिए ठीक है, नहीं मैं यही सवाल लेके जा रहा था प्रीति की, यहाँ पर मैं जो मैम कह रही है संस्कारों की व्याख्या भी तो हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, जैसा कि मैम कह रही थी और आपने भी बात कही कि भाई ये भी तो हो सकता है कि माँ वो चाहती ना हो करना, लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है और ये बोला गया है कि नहीं तो तुम्हारा बच्चा संस्कारी नहीं पैदा होगा, ये भी तो एक तरह का प्रेशर हो सकता है। गीता जी देखिए, ये प्रेशर नहीं है, ये कोई भी जब स्त्री जब वो माँ बनती है तो एक उसके अंदर स्वतः ये भाव आता है कि वो अपना जो शिशु है उसको सबसे जो अच्छा उसका खाना पीना, अपना सोच, अपना स्वभाव अच्छा रखने का प्रयास जो है हर स्त्री करती है। और उसमें इस तरह की जो आप किसी भी जैसे जो प्रयास यहाँ बैठे डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया उसी प्रक्रिया को, उसी विषय पर एक संगठन ने आके बात करी है कि इसको लेकर हमें इसको एज अ ड्राइव हमें समाज में जाना चाहिए और इस बात को लेकर जागरूकता जगानी चाहिए। ठीक है, संजीव कुछ बोलना चाहते हैं, संजीव जी क्या बुराई? जी, जी। मैं इन्हीं की गीता जी की बात को आगे रखूंगा। संस्कार दो तरह के रहते हैं गौरव, ये समाप्ति की तरफ जा रहा हूं कार्यक्रम। पहला जो सामूहिक रूप से संस्कार दिए जाते हैं, और जिस संस्कार की बात हम कर रहे हैं कार्यक्रम में वो पर्सनलाइज्ड है। संजीव जी मेरा सवाल ये है कि संस्कार करके आप सामने वाली महिला को ये नहीं कह रहे कि देखो तुम्हें प्रक्रिया से जाना ही पड़ेगा, तैयार होकर समाज में जाता है तो क्या बुराई है उसमें? पैरामीटर क्या है, कोई बच्चा संस्कारी होगा इसका पैरामीटर कैसे तय होगा डॉक्टर जी? नहीं बच्चा देखिए, आप जैसे आपने बहुत अच्छी इन्होंने बात करी, आप मदर के ऊपर प्रेशर भी नहीं बना सकते कि आपने ये चीज इतने बजे करनी है या जो जिस चीज से उनका सिंक नहीं है, आप मदर को इम्पोज नहीं कर सकते, आप मदर को स्ट्रेस कर रहे हैं। हाँ। स्ट्रेस कर रहे हैं बच्चों के ऊपर भी, उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये डॉक्टर बताएंगे, ये डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर ऐसा कुछ होता है? प्रेशर नहीं डालते हैं ओपीडी में, हम सिर्फ ऑप्शन देते हैं कि गर्भ संस्कार के हमारे यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। मैं आपके पर्सनली नहीं बात कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं इनका सवाल मैं ले जाता हूँ, मैं सुनिए, मैं इनका सवाल डॉक्टर साहब ये है, डॉक्टर साहब इनका सवाल ये है कि गर्भ संस्कार कहीं फैमिली में एक ऐसा जबरदस्ती तो नहीं हो जाता महिला के ऊपर कि उसकी फैमिली चाहती है वो महिला नहीं चाहती गर्भ संस्कार से गुजरो, उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर क्योंकि उसके फैमिली वाले चाहते हैं कि तुम्हें गर्भ संस्कार करना चाहिए, ऐसा होता है आपके सामने? बिल्कुल भी नहीं। कई बार महिलाएं खुद पूछती हैं कि मैम मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरे पास कुछ और ऑप्शन है क्या, मैं इससे कैसे डील करूँ, तो हम गर्भ संस्कार को आगे लाते हैं। कई बार एक बात तो और है जो कनिका जी भी कह रही है, लेकिन एक फैक्ट जो अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ विपक्ष और पक्ष का, उसमें 3 महिलाएं ऐसी हैं जो इस वक्त गर्भ संस्कार के पक्ष में है, महिलाएं हैं, और 4 पुरुष हैं जो गर्भ संस्कार के पक्ष में नहीं है, नहीं है। और मेल के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं कि हम इसके विरोध में, ऑडियंस पोल क्या कहता है, ऑडियंस पोल क्या कहता है, एक सेकंड हमें दीजिए डाटा, हम बड़ा लैकुना महसूस करते हैं इस चीज को लेकर। ऑडियंस पोल कौन सी महिलाएं पक्ष में गर्भ संस्कार के, हाथ उठाइए जो जो पक्ष में है गर्भ संस्कार के, हाथ उठाइए सब लोग, जो नहीं है मत उठाइए, और जो गर्भ संस्कार के आप पक्ष में
नहीं, देखिए अब ये देख लीजिए पक्ष में है ये, इस डिबेट को देखिए पक्ष में मत बदलिए, क्योंकि उसके कुछ लॉजिक, जैसे कि राजेश पासवान जी सर ने बोला कि रामायण में माँ सीता तो गर्भवती थी, उनको क्यों घर, ये कौन सा संस्कार, लेकिन गर्भवती महिला ने कैसी संतान उत्पन्न की, वो कौन सा संस्कार था कि उनको घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी अबजी परीक्षा होनी थी, लवकुश ने उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, वो उनको धार्मिक ग्रंथ कुछ और पूछा, कुछ और भारत में अभिमन्यु के संस्कार की तो बात हम कर रहे हैं, एक मिनट, लेकिन एकलव्य के संस्कार की बात नहीं। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछूं, नहीं 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 एक सवाल पूछूं तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा। सुनिए सुनिए, मम्मी का पेट जो मैडम सप्रू हाउस जाती थी उनको पूछिए गोदावरी हॉस्टल में अच्छा खाना मिलता था। अच्छा सुनिए सर सर सर, एक मिनट डॉक्टर साहब आपने एक मिनट आपने गीता आपने आपने तमाम उदाहरण दिए, आपने रामायण का उदाहरण दिया, आपने माता सीता का उदाहरण दिया, आपने महाभारत का उदाहरण दिया, आपको ये उदाहरण किसी और धर्म में नहीं मिलते, This will not go on air. Let me clear this. ये कोई हिंदू मुसलमान की बहस नहीं है, ये संस्कारों की बात है, और इस संस्कारों में हम पक्ष और विपक्ष कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रिलीजन को टारगेट करने का हमारा मकसद नहीं है। मेहरुद्दीन जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि अभी बात हुई कि इन्होंने कह दिया कि अब इस्लाम के बारे में आप क्यों कोई बात नहीं कह सकते। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा, हो जाएगा। अभी तक उनियाल जी ये बात कह रहे थे, देखिए सब धर्म, अब मान लो अब मुसलमान अगर हम हैं, अगर हम यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारा उतना ही अधिकार है जितना उनियाल जी का अधिकार की अंग्रेज भाई कहाँ बात आ रही है। अधिकारों की बात, आप ये भी कहते हैं कि हमारे डीएनए भी एक है, आपके देश के बच्चे कुछ करने के लिए फिर भी आप हमारे लिंचिंग करते आप कुछ कहना चाह रहे विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। डॉक्टर मैडम ने जो कहा, सर ने जो कहा, ये सारी चीज़ें बरसों से मेडिकल साइंस में चीज़ें कही जाती हैं, ये सब प्रूफ है, सारी चीज़ें प्रूफ की गई हैं।
जो आरएसएस की जो आनुषंगिक और वेदों ने प्रूफ किया है ये भी बता दीजिए, सुन लीजिए, ये भी बता दीजिए कि इसको वेदों ने प्रूफ किया है। ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में जो है कीचड़ उठा लेंगे। देखिए इस पैनल को, वो जो दिखता है, वो लाइटें दिख रही है, जो चश्मा आप दोनों को यार नहीं आपके पास, गौरव के पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गर्भ संस्कार से जुड़ी। गौरव, गौरव ओवर टू यू, गौरव, गौरव। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, लौटते हैं अपने मूल मुद्दे पर, अपने अपने मूल मुद्दे पर लौटते हैं और हम बात गर्भ संस्कारों की बात करते हैं। तो जल्दी से गर्भ संस्कारों के बारे में हम बताते हैं। गर्भ में बच्चे के विकास से जुड़े कुछ रिसर्च हैं। गर्भावस्था के 9वें हफ्ते में बच्चे के अंग बनने लगते हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, ये तस्वीर भी आप देखते रहिए साथ साथ में, और इसके बाद अगली प्लेट आपको दिखाते हैं। इसके अलावा गर्भ के 3रे महीने में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, और इसके बाद फिर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने के बाद बच्चा हिचकियां लेता है, फिर क्या होता है, शिशु की हिचकी का एहसास महिलाओं को 3रे से 6ठे महीने में होता है। कई बार शिशु की हिचकी भी किक की तरह लगती है। 6 से 9 महीने के बीच शिशु ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। 22वें हफ्ते में शिशु गर्भ में पहुंच रही रोशनी पर प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्ड करता है। गर्भ के 23वें हफ्ते के करीब शिशु बाहर की आवाज और शोर सुनने लगता है। ओ ट्यूप्रीति, देखिए एक बात तो साफ है, ये सारी बातें जो गौरव आपको इस वक्त बता रहे थे, हम ये बताना चाहते हैं कि पूरी चर्चा हम किसी रिलीजन से जोड़कर नहीं बल्कि साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स के आधार पर कर रहे हैं, और उसका एक और परिचय अभी गौरव ने उस ग्राफिक के जरिए दिया। एक बार फिर से मैं, पासवान जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए, आपकी बात अधूरी छूट गई थी। इस तरह के जो प्रस्ताव आए हैं किसी संगठन द्वारा, उनको 10 साल 20 साल ऐसा अध्ययन करना चाहिए गर्भवती महिलाओं पे, उनका पाठ करवा करके। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप जिन संगठनों की बात कर रहे हैं, अगर ये किसी और धर्म की तरफ से आता तो आपको मंजूर होता। घर में जाकर ना, देखिए बात तो ये सच है कि घर में जाकर जब आपके घर में भी आपको ये जानकारी होगी कि कोई स्त्री गर्भवती है, तो आप भी ये चाहते होंगे कि उसे संस्कार हो। लेकिन भले ही आप यहाँ पर विरोध करें उस बात का, मैं काम करूंगा। नहीं नहीं, आप संघी की सलाह पे अपने यही पूछ रहा हूँ। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट जी, आपने कहा किसी संघी की पहचान पर, सर यही तो सिलेक्टिविज्म है, संघी की सलाह पर सिलेक्टिविज्म यही है। अगर ये संघ नहीं होता, कोई ऐसा एनजीओ होता जो किसी और धर्म से जुड़ा होता, कोई ऐसा संगठन होता किसी और धर्म से जुड़ा, तो भी आप यही कहते हैं बेवकूफी वाली बात है। कोई भी संगठन करे मैं विरोध करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। संस्कार बेवकूफी कैसे हो सकती है वाली बात है। आप जिससे जुड़े हुए वो बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। मेरे मित्र ने ये बोला कि मैं उनको पहले जो है जो 9वें महीने में 6ठे महीने जो सुनना शुरू करेंगे, तो मैं इनको साइंटिस्ट बनाना चाहूंगा, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाना चाहूंगा। अरे भैया, हो सकता है वो यूनिकॉर्न बनाकर 5000 वो अपने आप में ये जो स्टार्टअप बनाना चाहे, वो संगीतज्ञ बनना चाहे, तो उस बच्चे पर आप प्रेशर डाल रहे हैं वास्तव में। नहीं 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 नहीं, गर्भ संस्कार की बात बेवकूफी वाली बात है ये संघ कर रहा है, ये उन्होंने कहा, आप यही कह रहे हैं सर, गर्भ संस्कार की बात बेवकूफी वाली बात है। एक मिनट, एक मिनट, डॉक्टर गीता, एक मिनट, एक मिनट, इनको इससे गर्भ संस्कार से कोई प्रॉब्लम, छोटे-छोटे समय खत्म है। एक मिनट, साइंटिफिक प्रूफ्स हैं इसके, साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, साइंटिफिक अमेरिकन में बड़ा एस्टैब्लिश जर्नल, उसमें आप देख लीजिए कई रिसर्च पेपर्स हैं। इटली के, स्पेन की जो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैं, संस्कृत के उच्चारण, बच्चों के उच्चारण के उन्होंने बाकायदा रिसर्च कर पेपर पब्लिश किए हैं कि उनके जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं बहुत एनहांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं जब संस्कृत का उच्चारण किया जाता है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, डॉक्टर कनिका, ये बेवकूफी वाली बात है, नकल करके तो नहीं। अरे आप उनको बोलने दीजिए, देखिए समय खत्म हो चुका है, जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, उनकी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर कनिका, ये बेवकूफी वाली बात है गर्भ संस्कार? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये बेवकूफी वाली बात है, और हमसे ज्यादा ये मरीज जानते हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी मेरे पास हर धर्म के मरीज आते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब आते हैं। एंड कई बारी हर धर्म के मरीज, हर धर्म के, मुझे डिलीवरी के बाद बच्चा जैसे ही मैंने निकाला है, मुझे कहा है डॉक्टर इसके कान पे कुछ भी बोल दो, मैं इसे आपकी तरह डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। जिन बिंदुओं पे बात शुरुआत हुई थी, क्या वही बिंदु है जो डॉक्टर कह रही हैं? वो बिंदु नहीं है,
बिंदु वो अलग तरीके से हैं जिसे, लेकिन वो गर्भ संस्कार को बेवकूफी नहीं कह रही है सर। पर्सपेक्टिव हर बिंदु ऐसा नहीं है ना सर, गर्भ संस्कार से जुड़ा सिर्फ एक बिंदु है, कई बिंदु हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, कुछ आपको नापसंद है, कुछ इन्हें पसंद है, कुछ आपको पसंद है, कुछ इन्हें नापसंद है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इस धरती पर बच्चा जन्म ले तो वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की ओर पहला कदम बढ़ाए, इस उम्मीद के साथ हमने पूरी चर्चा की थी गौरव। बिल्कुल, और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं आपका बहुत शुक्रिया।